नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। असंतोषजनक प्रशासन का है सहयोग, मजबूरन ट्रक एसोसिएशन रोको टोको अभियान को सफल बनाने में जुटा, एक ट्रक जब्त। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। शेखपुरा में कई महीनों से जिला ट्रक एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने जिला में गिट्टी से भरा ओवरलोड को लेकर रोको टोको अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बीती रात एसोसिएशन के लोगों ने बेटा चिमनी रोड के समीप गिट्टी से लदा एक ओवरलोड ट्रक को रुकवाया। रुकवाने के पश्चात पाया कि ट्रक पूरा ओवरलोड था, जिसको लेकर अन्य कार्यकर्ताओं ने रात से ट्रक को घेर कर रखा, बेटा में रखा। मौके पर मौजूद जिला ट्रक एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी संजय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से शहर में प्रचार कर सभी लोगों को, यहां तक कि जिला के बड़े बड़े आला अधिकारियों को भी लिखित रूप में आवेदन देकर ओवरलोडिंग ट्रक की सूचना दी जा चुकी है। आज की ट्रक रोके जाने की सूचना जब ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने जिला के वरीय अधिकारी डीटीओ खनन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी, पर कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचने से नदारद रहे। वही संजय कुमार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात में कई बार इन अधिकारियों को सूचना दिया गया, पर कई अधिकारी तो फोन रिसीव ही नहीं किए और कई अधिकारी आश्वासन पर रात भर टिका दिए। हालांकि जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिवेद कुमार राकेश ने बताया कि जिला में ट्रक ओवरलोड को लेकर मुहिम तो चला रखे हैं, पर अधिकारियों का सहयोग असंतोषजनक है। हालांकि पिछले दिनों एसोसिएशन के लोगों के द्वारा ओवरलोड ट्रक को पकड़ा गया था, उस समय अधिकारी का सहयोग मिला था, पर कई अधिकारी मौके पर पहुंच नहीं पाते हैं। इस संबंध में अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आज सुबह जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम आए थे और एसोसिएशन के द्वारा पकड़े गए ट्रक को जब्त कर पुलिस लाइन ले गए हैं। एसोसिएशन ने उम्मीद जताया है कि आगे की कार्रवाई जिला परिवहन विभाग से सही समय पर करेंगे और सूचना उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।